हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कुक विद शिप्रा। आज मैं आपके साथ दिल्ली के एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही पुराने टाइम से चली आ रही है। आज मैं आपके साथ दौलत की चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब भी हम चाट का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ तीखा या चटपटा आता है, बट ये चाट मीठी होती है और ये एक स्वीट डिश है। बनारस में इसको मलाइयो और लखनऊ में इसको मक्खन मलाई के नाम से जानते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ सर्दियों में 4 महीने ही मिलती है। इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट ये टेस्ट में उतनी ही अच्छी होती है। आपने अगर इसको एक बार बना लिया तो आप इसको बार बार बनाएंगे, ये मुँह में जाते ही घुल जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दौलत की चाट की रेसिपी। चलिए फ्रेंड्स, दौलत की चाट बनाना शुरू करते हैं। दौलत की चाट बनाने के लिए हमें बस 3 मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। दौलत की चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है और इसको मैंने उबालकर ठंडा कर लिया है। 1 कप मैंने यहाँ पर भरकर दूध की ताजी मलाई ली है, लगभग 250 ग्राम है ये। और 2 टीस्पून मैं यहाँ पर व्हाइट विनेगर ले रही हूँ। विनेगर की जगह पर आप क्रीम ऑफ टार्टर का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम दूध में मलाई को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक विस्कर की हेल्प से मलाई को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए हमें एकदम फुल फैट मिल्क लेना है, क्योंकि जितना अच्छा दूध होगा उतना ही अच्छा इसमें फ्रोथ आएगा। अब हम इसमें 2 टीस्पून विनेगर ऐड कर देंगे। विनेगर को भी दूध के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अलावा हमें इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है। और अब हम इसको रात भर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ध्यान रखिए कि हमें इसको फ्रिज में रखना है, डीप फ्रीजर में नहीं रखना है। हम इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख देते हैं और बाकी का प्रोसेस हम इसका नेक्स्ट डे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम दौलत की चाट बनाने का नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ये दूध और मलाई का मिक्सचर ले लिया है, जिसको मैंने रात भर फ्रिज में रखा था। अब हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसको ब्लेंड करना है। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको इस तरह के विस्कर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ट्रेडिशनली इसको इस तरह के वुडन इक्विपमेंट से बनाया जाता है, बट इससे इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और अब हमें इसको इस ब्लेंडर की हेल्प से धीरे धीरे थोड़ा रुक रुक कर ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं इसको ब्लेंड करने से दूध के ऊपर जो ये फ्रोथ बन रहा है, इसी झाग को हमें एक बाउल में कलेक्ट करना है। इसको कलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ये इस तरह की छलनी का यूज कर रही हूँ। हमें बस इस झाग को कलेक्ट करना है और दूध को हमें भगोने में ही रहने देना है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये इतना अच्छा झाग बन रहा है, ये इसीलिए बन रहा है क्योंकि हमने दूध और मलाई को रात भर के लिए फ्रिज में रखा था। अब हम इसी प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। फिर से हम इसमें से ये सारा फेना निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर ये सारा फेना कलेक्ट कर लिया है और अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। हम यहाँ पर 2 तरह का फेना बनाएंगे। ये जो बचा हुआ दूध है, इसमें मैं यहाँ पर केसर का दूध मिला रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें इलायची पाउडर मिला रही हूँ। इलायची पाउडर और केसर मिलाने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी। अब हम इसको भी 3 से 4 बार ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा केसर और इलायची वाला फेना बन गया है। इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमने इसमें विनेगर इसलिए ऐड किया था, विनेगर ऐड करने से इसमें जो ये फ्रोथ बन रहा है ये इसी तरह से स्टेबल रहेगा। हम इसको एक बार और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसमें से सारा फेना निकाल लेंगे। बहुत से लोग इसमें चीनी भी ऐड करते हैं, मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की है। चीनी मैं इसमें ऊपर से डालूंगी। इसमें जितना भी झाग था वो सब मैंने कलेक्ट कर लिया है और ये झाग ही हमारी दौलत की चाट है। इसको हम 1/2 घंटा फ्रिज में रखने के बाद ही सर्व करेंगे। फ्रिज में रखने से ही इसकी वॉल्यूम बनी रहेगी।
अब मैं इसको आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। आधा घंटा के बाद ही हम दौलत की चाट को सर्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम दौलत की चाट को सर्व कर लेते हैं। इसको सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर ये मिट्टी के कुल्हड़ लिए हैं। पहले हम इसमें व्हाइट वाला पार्ट रखेंगे। आप देख सकते हैं फ्रिज पे रखने से ये कितना फ्लफी और थिक हो गया है। अब हम इसके ऊपर ये येलो वाला पार्ट रखेंगे। अब हम इसके ऊपर ये थोड़ी सी आइसिंग शुगर डाल देंगे। ये चाट बहुत ज्यादा मीठी नहीं होती है, इसके लिए आप आइसिंग शुगर या फिर कैस्टर शुगर का ही यूज करें। अब मैं इसको थोड़ा सा पिस्ते से गार्निश कर लेती हूँ। क्योंकि ये दौलत की चाट है तो इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाना तो बनता है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर केसर के धागे लगा देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी दौलत की चाट बनकर एकदम रेडी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।